पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हमीरपुर में समाज सेवी एडवोकेट रोहित शर्मा ने जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से एम्बुलेंस गाड़ी दान की है। यह एम्बुलेंस गाड़ी हमीरपुर ही नहीं अपितु आसपास के जिलों में भी कोविड मरीजों के साथ साथ आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रजिंदर जार भी मौजूद रहे। समाज सेवी रोहित शर्मा ने इस मौके पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही और जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता है तब तक सक्रिय भूमिका निभाने का भी संकल्प लिया है। रोहित शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एम्बुलेंस गाड़ी दान की गई है ताकि कोविड महामारी के दौर में लोगों को सहूलियत मिल सके। उन्होंने कहा कि ये एम्बुलेंस 24 घंटे जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि कोविड मरीजों के अलावा आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए भी इस फ्री एम्बुलेंस से काफी सहायता मिलेगी। राजीव गांधी जी की भारत रत्न है, उनकी 30वीं पुण्यतिथि है, इसके उपलक्ष्य में आज सेवा और सद्भाव के रास्ते को अपनाते हुए आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री रविंद्र जार जी, हमारे बड़े भाई, हमारे वार्ड के वार्ड नंबर 5 के उपाध्यक्ष श्री राजेश चौधरी जी, इनकी मौजूदगी में हमने एक एम्बुलेंस फ्री सेवा में CMO ऑफिस को डेडिकेट की है। ये एम्बुलेंस हमीरपुर जिला में ही नहीं, जहाँ इसका यहाँ से रेफरल कोई भी होगा, रेफरल हॉस्पिटल के भी फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगी। इसके लिए हमने मोबाइल नंबर जो है इस पर अंकित कर दिए हैं, हम उनको एम्बुलेंस मीडिया के माध्यम से इसको देख रहे हैं। हम CMO साहब को नंबर्स को भी अंकित कराएंगे और एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोगों को सर्विसेज देगी, जो होम आइसोलेशन से यहाँ कोविड सेंटर में शिफ्ट होंगे, कोविड सेंटर से जो रेफरल किसी अगले हॉस्पिटल का होगा उसके लिए भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगी। हम यहाँ पर जो एक नीचे क्रिमेशन के पर्पज़ के लिए हमारे कुछ भाई कर्मचारी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उनके लिए हम कुछ PPE किट्स भी डेडिकेट कर रहे हैं ताकि वहाँ उनको क्रिमेशन में कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े, क्योंकि उनकी सेफ्टी में ही सबकी सेफ्टी है। और सेवा और सद्भाव के रास्ते पर चलते हुए हमने इसको आज इस कड़ी में आज इन चीज़ों को, एम्बुलेंस को और PPE किट्स को डेडिकेट किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, राजीव गांधी जी युवा पीढ़ी के एक हीरो थे, जननायक थे, और मैं तो ये सभी युवा पीढ़ी से ये अपील करूँगा कि सारी युवा पीढ़ी आज इस कोरोना की महामारी में आगे आए और इससे डट करके मुकाबला करे। मैं और अपने जितने हमारे वरिष्ठ साथी हैं, राजेश चौधरी जी हैं, जार साहब हैं, इन सभी के आशीर्वाद और सहयोग से कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम जारी रखेंगे। जब तक कोरोना इस देश से, इस प्रदेश से, यहाँ से लापता नहीं हो जाता, जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, हमारी समाज में ऐसी ही सक्रिय भूमिका आपको देखने की मिलेगी, ऐसा मैं आश्वासन कर देता हूँ। और सभी युवा पीढ़ी से ये आह्वान करता हूँ कि संकट की घड़ी में वो आगे आएं ताकि बाकी जनरेशन की हम सेवा बड़े सही तरीके से कर पाएं। जय हिंद, जय भारत। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष रजिंदर जार ने कहा कि पुण्यतिथि के अवसर पर रोहित शर्मा के द्वारा एम्बुलेंस गाड़ी दान की है, जिससे लोगों को कोविड काल में काफी मदद मिलेगी। आज इस पुण्यतिथि पर यहाँ के हमारे कांग्रेस विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले एडवोकेट श्री रोहित शर्मा जी ने जो यहाँ पर एक एम्बुलेंस देकर हमारा हौसला बढ़ाया और लोगों की मदद की है, उसकी मैं पूरी तरह उसकी दायत देता हूँ। आज राजीव गांधी जी जो हमारे बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं और प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने उनका जो बलिदान है देश की अखंडता और प्रभुसत्ता को देखकर, आज के दिन उनकी 1992 में मौत हुई थी, उन्होंने आतंकवाद से समझौता नहीं किया और अपने आप को बलिदान कर दिया। ये बहुत बड़ा बलिदान हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा गया है। और जहाँ तक आज कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी कोरोना के संकट के समय में लोगों की अपनी तरफ से अपने सामर्थ्य के मुताबिक जितनी मदद हो सकती है वो लगातार करती आई है। पिछला जब लहर थी तब भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, चाहे वो जिला स्तर पर है चाहे ब्लॉक स्तर पर, अपनी तरफ से बड़ी मदद की है लोगों की। अब भी हमने एक गांधी हेल्पलाइन के अंतर्गत एक यहाँ पर हेल्पलाइन कायम की है, जिसके ज़रिए जिला स्तर पर भी ब्लॉक स्तर पर भी हम कार्य कर रहे हैं और लोगों की, जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं।
आपको बता दें कि कोविड महामारी के दौरान एडवोकेट रोहित शर्मा के द्वारा निरंतर इस संकट की घड़ी में लोगों की सेवा की जा रही है और इससे पहले भी कोविड केयर सेंटरों में ऑक्सीजन सिलेंडरों को भी दान किया जा चुका है। तो आंगनबाड़ी वर्कर, कोरोना फ्रंट वर्करों को भी सुरक्षा किट प्रदान की जा चुकी है।